माँ, तो बाबा से बोल दे कि वो पैसे की चिंता ना करे, कहियों की शादी के लिए पैसे मैं लेकर आऊंगा। तुम लोगों ने हमेशा मुझे बहुत नालायक समझा ना, तो जाकर अपने उन लायक पुत्रों से कह देना कि मैं 10 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के आ रहा हूं। 10 करोड़, समझती है इसका मतलब? अरे इतने कमीशन मिलेंगे कि हम कहियों की शादी 3 बार करा सकते हैं। तो पापा से बोलना कि अब पैसे की चिंता ना करें, नॉट टू वरी, आज मैं ऑफिस जाऊंगा और सारे पैसे ले आऊंगा। जा तो शादी की तैयारी कर। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे यार पिछले महीने तो एकदम ठीक था। हाँ पर अरे तो करना क्या है? और मेरा कमीशन का पैसा? पर यार मैंने तो काम किया। पर आप सुनो, अरे हेलो हेलो हेलो, हे भगवान, मैंने माँ से कह दिया और वो आदमी ही मर गया जिसका मैंने इंश्योरेंस किया था। क्या परेशानी है तुझे? हाँ फिर कर दिया ना पोपट। घर वालों को क्या जवाब दूंगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी और तूने इस आदमी को ही मार दिया, तो नौकरी भी नहीं बची उनकी शादी। ए पगलेट, क्या कर रही है तुम? वो एड तेरे लिए नहीं है। अरे आरजे, आरजे का मतलब समझती है? रेडियो जॉकी, तू और रेडियो जॉकी पागल हो गई है हाँ? अरे उसके लिए बहुत स्मार्ट लोग चाहिए होते हैं, अरे बहुत बोलना पड़ता है, तो जिंदगी भर कोशिश कर फिर भी नहीं बन पाएगी। अरे ऐसी चीज के सपने देख रही है क्यों जो पूरे नहीं होने? मेरी झांसी की रानी, जा और पढ़ाई कर, ये सब चक्कर छोड़। जानता हूं ये ऑडिशन पर जाएगी जरूर, मैं भी देखता हूँ क्या करती है। भगवान, एक बार इसी छज्जे पर नंदिनी को प्रपोज करना, उस दिन पोपट मत करना, अपनी सेटिंग है ना, बस यार काम बना देना, उस दिन कोई गड़बड़ नहीं। फिलहाल तो यार कहियों की शादी, नौकरी भी नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। चल बेटा यहाँ खड़े हो।